चलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं सम नंबर 7th को। तो क्या ये इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ ई अब देन एक्स देन फाइंड एक्स एंड ए। हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना है, एक्स को फाइंड करना है और ए को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या कैसे सॉल्व करना है अब उसको मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। तो क्या दिया हुआ है हम लोगों को, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, बराबर। तो देयर फॉर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई। और वो किस हिसाब से बोल रहे हैं हम लोग, तो वो लिखना पड़ेगा हम लोगों को, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। अब बी डी का वैल्यू कितना है, 8, वो हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया। डी एफ का वैल्यू कितना है, 4, ए सी का वैल्यू कितना है, 12, और सी का वैल्यू कितना है, एक्स। अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, देयर फॉर 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 4। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू, देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 इंटू 4 अपॉन 8, ठीक है। तो 4 वन सर 4, 4 टू सर 8, 2 वन सर 2, सॉरी, और 2 सिक्स सर 8। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोगों को, यहाँ पे 6 आ जाएगा। हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना है, एक तो x हम लोगों ने फाइंड कर दिया, अब ए फाइंड करना है हम लोगों को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ए ई इज इक्वल टू, मेरे पास में ए सी आ चुका है और x मतलब ये सी ई भी आ चुका है। तो ये ए ई किससे बना हुआ है, तो ए ई इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ई। ए सी कितना है हमारा, 12 है, और सी ई अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 6, तो 12 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 18। तो इसी के साथ में हमारा ये 7th सम कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग सम नंबर 8th की, और सम नंबर 8th क्या है उसको देखते हैं जरा हम लोग। तो सम नंबर 8 हमारा जाता है एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी के ऊपर ही। तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी के ऊपर है, तो ये सम भी हमारा लगभग एकदम सेम है। हम लोगों को खाली वैल्यूज पुट करना है और सब काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा फटाफट। तो इन ट्रायंगल LMN हमारा क्या है, MT बाइसेक्ट करे जा रहा है, किससे, एंगल LMN से। हम लोगों को LM दिया हुआ है 6, MN दिया हुआ है 10, फिर TN हम लोगों को दिया हुआ है 8, हमको LT फाइंड करना है। तो हम लोग क्विकली इसको सॉल्व करते हैं, ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है इस सम में। तो मैं यहाँ पे अब शुरुआत करता हूँ इसको, इन ट्रायंगल LMN, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है सम में वो देख लो तुम, रे MT बाइसेक्ट कर रहा है LMN एंगल को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रे MT बाइसेक्स एंगल LMN, बराबर। फिर हम लोगों को क्या लिखना है वो लिखते हैं हम लोग, देयर फॉर प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी उसके ऊपर जा रहा है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे जरा देख लो। तो एल टी अपॉन हमको क्या लिखना रहेगा, टी एन इज इक्वल टू एल एम अपॉन एम एन, तो ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो एल टी अपॉन टी एन इज इक्वल टू एल एम अपॉन एम एन, ठीक है, ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर
उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, जो जो वैल्यूज हम लोगों को पता है वो हम लोग लिख देंगे। तो एल टी हम लोगों को पता नहीं है, टी एन है हमारा 8 इज इक्वल टू, एल एम कितना है हमारा 6, एम एन कितना है हमारा 10। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू एल टी इज इक्वल टू 6 इंटू 8। अब एल टी इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 10 आ जाएगा ये। तो अब इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, या फिर तुम इसको कैसे करोगे, तो ये 2 5 10 और 2 4 8। अब एल टी इज इक्वल टू 6 4 कितना होता है 24/5, ठीक है 24/5 पे आ चुका है। हम लोग अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 24 से, 5 से, तो 5 4 कितना होता है 20, ये 4 बचा। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया तो ये 0, फिर 5 8 40, तो आंसर कितना आ गया, एल टी इज इक्वल टू 4.8। तो एल टी का आंसर हमारा 4.8 आ रहा है। अब हम लोगों को वैसे ही 9th सम भी करना है, तो 9th सम भी वैसे ही है। मैं क्विकली शुरुआत करता हूँ, क्वेश्चन को खाली रीड करूँगा एक बार, ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट बीडी बाइसेक्स एंगल एबीसी। तो ये जो बीडी है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एबीसी को, तो क्या हो जाएगा हमारा बाय एंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ईडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू एबी अपॉन बीए अपॉन बीसी, हाँ ठीक है, ए बी अपॉन बी सी, या फिर जैसे भी लिखना है वो लिख दो, फिर उसके बाद में वैल्यूज पुट करो और सम को कंप्लीट कर दो। तो मैं यहाँ पे ये शुरुआत करने जा रहा हूँ, इसका किस तरीके से प्रेजेंट करना है इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। अब हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले सेगमेंट बी डी बाइसेक्स एंगल बी, ये हम लोगों को पता है, मतलब एंगल ए बी सी है, मतलब बी होएगा एंगल, ठीक है ना। तो अब देयर फॉर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ एन, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों की प्रॉपर्टी है वो लिख देंगे, ए डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन, क्या करना है हम लोगों को, बी सी, ये आपको याद ही होगा। क्या करना रहता है हम लोगों को, ये जो है हमारा ये जो एंगल है इसके अपोजिट साइड के रेशियो को लेना रहता है हम लोगों को, फिर रिमेनिंग साइड्स के रेशियो को हम लोगों को यहाँ पे लिख देना पड़ता है। तो एडी, एडी कितना है हमारा भाई, एक्स माइनस टू है, डीसी कितना है हमारा, एक्स प्लस टू है, इज इक्वल टू एबी, एबी कितना है हमारा, एक्स है, और बीसी कितना है हमारा, एक्स प्लस फाइव है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, स्मूथली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्स माइनस टू और ये हो जाएगा एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स, और एक्स प्लस टू आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स मैंने लिया, जैसे हम लोग नॉर्मली मैथ सॉल्व करते हैं वही सॉल्व करना है हम लोगों को, एक्स लिया हम लोगों ने, फिर ये होल ब्रैकेट लेंगे एक्स प्लस फाइव, फिर ये माइनस टू को मैं बाहर निकालूंगा, और फिर ये एक्स प्लस फाइव लिखूंगा यहाँ पे। अब इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आ गया। अब अगले स्टेप में आते हैं हम लोग, इसको हम लोगों को अब सॉल्व करना है। तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लस एक्स इंटू फाइव, फाइव एक्स, फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा माइनस, ठीक है ना। तो माइनस टू एक्स, फिर उसके बाद में माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, 2 5 10 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा हम लोगों का, ज़रा ध्यान दो। तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ का एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल, फिर ये 5x माइनस 2x, ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, 3x हो जाएगा,
ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 10 इज इक्वल टू ये 2x यहाँ पे है अभी भी। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 3x के इस साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस में है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा यहाँ के पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1 और ये 10। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसी के साथ में हमारा नाइन्थ सम भी कंप्लीट हो चुका है।